There's an instance of Guru Gorakhnath ji. Guru Gorakhnath, in days of less sunlight and more winter, धूप में बैठे थे, आराम से धूप में बैठे थे, और अलेक्जेंडर रीच्ड देयर, सिकंदर वहां पहुंच गया। अब सिकंदर के गुरुजी ने बोला था कि जब भारत जाओ तो किसी संत से मिलना, किसी संत को मिलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा। ठीक है, अब वो पहुंचे और वहां पर अलेक्जेंडर ने बोला, आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं सिकंदर। अच्छा, गोरखनाथ जी बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा साइड हो जाओ, मेरी धूप रुक रही है, साइड हो जाओ। और सिकंदर सोचे, मैं कौन, जैसे मैं आए, सबको होता है ना। अब सिकंदर जैसे आए को किसी ने बोल दिया, हट जा भैया साइड, बाद में बात करना, तो क्या होगा। तो सिकंदर ने कहा, प्लीज टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। गोरखनाथ जी बोले, सबसे पहले तो यही कर सकता है, हट जा, मेरा धूप क्यों रोक रहा है, बाद में बात करेंगे। आई कैन गिव यू एनीथिंग दैट यू नीड। तो गोरखनाथ जी बोलते हैं, उनके बाजू में उनका कुत्ता रहता था साथ में, तो कुत्ते को देख के हंसने लगे, तो बोले, आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मैं खुश हूं। सिकंदर सोचे, बाबा जी है नहीं कुछ इसके हाथ में, सामान कुछ नहीं है, उसको सिकंदर बोल रहा है कि तुमको क्या चाहिए मांगो, और वो बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो बोले, नाउ इफ यू, आई डोंट नीड एनीथिंग, अब एक काम करो, आई वॉन्ट टू मेडिटेट, आप अपने काम पे जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सिकंदर वॉज वेरी सरप्राइज, ही सेड, अरे ये क्या हुआ। तो वॉट ही डिड वॉज, प्लीज गिव मी अ चांस टू बी ऑफ सर्विस टू यू, क्या आप मेरे को एक चांस दो ना, कुछ तो करूं आपके लिए। तो बोले, कुछ करूं, अच्छा ठीक है, क्या करोगे बताओ। तो सोचते रहा सिकंदर, बोले कुछ तो मैं करूं आए। तो बोले गोरखनाथ जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग, बट स्टिल ही इंसिस्टेड, यू डोंट रियलाइज, आई एम सिकंदर, आई एम अलेक्जेंडर, मैं सिकंदर हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं कि मैं आपके लिए कुछ करूं। अब गोरखनाथ जी ने सोच लिया, ये व्यक्ति ऐसे नहीं मानेगा। कभी कभी हम लोग बोलते ना, पिंड छोड़ भाई मेरा। तो गोरखनाथ जी बोले, अब क्या करूं। तो अपना खप्पर पड़ा था, जिसमें खप्पर मालूम है ना, बोले वो धर दिया सामने, बोले बाबा इसको भर दे, छुट्टी कर। तो गोरखनाथ जी बोले, भर दे। तो उसने बोला, अच्छा काय से भरूं। बोले जो तेरी मर्जी उससे भर दे, चावल डाल दे, दाल डाल दे, जो डालना डाल दे। तो सिकंदर सोचे, क्या आदमी है, मेरे से एक खप्पर भर के मांग रहा है और भी दाल चावल। बोले आप बोलो तो मैं हीरे जवाहरात सोना चांदी मोती से भर दूं। बोले जो तेरी मर्जी है उससे भर दे, लेकिन मेरा पिंड छोड़। अब शुड आई फिल दिस विद गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। बोले ठीक है, ये कर ले। अब सिकंदर ने पूछा और अपने लोगों से मंगाया, बोले भैया ले आओ सामान, ले आओ। तो सामान लाए, सब धीरे धीरे करके सामान डालने लगे। तो सोना डाला उसमें, जवाहरात डाले, जेवर मंगाए, डाले खप्पर खाली का खाली, बोरी की बोरी सामान मंगा लिया, जेवर मंगा लिए, मोती मंगा लिए, हीरे मंगा लिए, सिकंदर उसमें डाले जाए और वो खप्पर खाली का खाली भरे ही नहीं। एक से एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सामान डालते गया, जितना लूट लाट के लाया था वो डाले जाए और वो छोटा सा खप्पर है जो खाली का खाली, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो डाले जाए और उसमें डाले जाए, उसमें डाले जाए, उसमें डाले जाए, जितना प्रेशियस सामान था उसने सब डाल दिया। थक गया सिकंदर, गोरखनाथ जी के पास आया और बोला, ये क्या है।
तो गोरखनाथ जी ने कहा दिस इज नथिंग एल्स बट योर स्कल हेड योर ग्रीड हाउ मच एवर यू पुट इन टू इट इट इज स्टिल एम्प्टी एंड वॉन्ट्स मोर. कितना भी जमीन आ गई पाहोम के पास ही स्टिल वॉन्ट्स मोर, और चाहिए. कितना भी सामान आ जाता है हम लोगों के पास फिर भी और चाहिए. कितना भी पैसा कमा लेते हैं हम लोग फिर भी और चाहिए. कितना भी बड़ा घर ले लेते हैं फिर भी और चाहिए. जो सिकंदर की हालत थी क्या वो ही हमारी हालत आज है? दिस इज नथिंग एल्स, ये तुम्हारी खोपड़ी है. कितना भी तुमने इसमें डाल दिया खाली की खाली रहती है. इसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए. उस समय कहते हैं सिकंदर को समझ में आई, और किसी ने खूब लिखा कि मौत ने जमाने को यह समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला. सिकंदर जब मरा, सबको मालूम है ना, नहीं मालूम है तो आज गूगल करना है ना. दोनों हाथ बाहर, ये दिखाने के लिए कि मैंने जो भी किया ये जीवन में, जितना भी कमाया, जितना भी एक्युमुलेट किया, जितना भी सामान था, जितना भी कॉन्कर किया, मृत्यु के समय दोनों हाथ खाली थे.